स्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का प्रसार काफी तेजी से हो रहा है। बीते मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के नए 3,947 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन में आने वाले अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 62,000 से ऊपर पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है। न्यू कोविड रिस्पांस प्लान के तहत 6 जुलाई तक सभी घरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस नए प्लान के तहत दिल्ली में सभी जोन के घरों की जांच की जानी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि 30 जून तक ही जांच पूरी कर लेने की तैयारी है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि 6 जुलाई तक दिल्ली के सभी जोन के घरों की जांच कर ली जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सऊदी अरब सरकार के आग्रह पर इस साल हज यात्रा नहीं होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत से किसी को भी हज के लिए नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हज 2020 के लिए आवेदन करने वाले 2,00,000 से अधिक लोगों को पैसे वापस भेजे जाएंगे। सऊदी अरब सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल बहुत सीमित संख्या में मुस्लिमों को हज की इजाज़त दी जाएगी। जो यात्री सऊदी अरब में रह रहे हैं वही लोग यात्रा करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात की जानकारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, ऐसे में राज्य में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में मरीजों की संख्या 70,000 से अधिक होने की पुष्टि की है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 69,528 होने की जानकारी दी है। इस लिहाज से दिल्ली ने मुंबई को भी कोविड-19 के आंकड़ों में पीछे छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाया था। इस बैठक के बाद प्रदेश में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि दिल्ली अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड मौजूद हैं। ये अभी हम लोग आज LNGP के सामने ये एक बैंक्वेट हॉल में 100 बेड्स चालू कर रहे हैं। डॉक्टर्स फॉर यू एक NGO है जो इसकी जिम्मेदारी ले रही है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौरान इस तरह से डॉक्टर्स की NGO सामने आ रही हैं। ये 100 बेड्स का बैंक्वेट हॉल, इस बैंक्वेट हॉल में 100 बेड्स लगाए गए हैं। हर बेड के साथ ऑक्सीजन है और ये LNGP हॉस्पिटल के साथ अटैच रहेगा। LNGP हॉस्पिटल सड़क के उस पार है, तो जो मॉडरेट पेशेंट्स हैं जिनको ICU में जाने की ज़रूरत नहीं है वो इधर रह सकते हैं। अगर जरा सा भी कोई सीरियस होता है तो उसको तुरंत LNGP हॉस्पिटल सड़क के उस पार ले जाया जा सकता है। तो इस तरह के ये आज पहला एक तरह से बैंक्वेट हॉल शुरू हो रहा है। हमने देखा था कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने लगभग 3,000 बेड्स होटल्स के अंदर भी शुरू किए हैं और उन होटल्स को हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया था। तो अब मोटे मोटे तौर पे इस वक्त, आने वाले समय में क्या होगा ये तो कह नहीं सकते, इस वक्त बेड सफिशिएंट हैं। जैसे लगभग 13,500 बेड्स अभी दिल्ली में अवेलेबल हैं, उसमें से 6,200 बेड्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं।